कोरोना महामारी के भयानक दौर के जिथे महामारी तो बचाव के लिए होर तरीके दसे जा रहे हैं उत्थे इस समय अपनी मानसिक सेहत और खुद को सकारात्मक रखने की भी खास से जरूरी सलाह दी जा रही है। कहते हैं जो मन मजबूत होंदा है तो शरीर नूं बीमारी का टाकरा करने के लिए होर ताकत मिलती है, पर जे बंदे दा मन ही डिग्गिया होवे तां बीमारी होर भी घातक रूप धारण कर लैंदी है। संगीत जगत दीआं हस्तियां दी गल कर लईए, बॉलीवुड सितारियां दी गल कर लईए जां बॉलीवुड नाल जुड़े कलाकारां दी, सब द्वारा किसी ना किसी ढंग तरीके दे नाल लोकां दे विच एक दूसरे की मदद करन अते हिम्मत रखन दा सुनेहा दिता जा रहा है। अजिहा सुनेहा हुण पंजाब दी जानी मानी हस्ती सतिंदर सत्ती द्वारा दिता गया है, जो अक्सर ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ते काफ़ी सरगर्म रहिंदे ने। सतिंदर सत्ती ने लिखा है कि अपने दिमाग नूं तंदुरुस्त करो अते देखो तुहाडी जिंदगी किवें बदलदी है। तुसी एक शक्ति हो, तुसी एक जादू हो, तुहानू सिर्फ पछाणन की जरूरत है। अपनी इस वीडियो दे विच सतिंदर सत्ती लोगों नूं मौजूदा समय दे विच डर भरे माहौल दे विच सकारात्मक रहन अते खुद ते विश्वास करके अगे वधन दा संदेश दिंदी हुई नज़र आ रही है। अक्सर ही उन्हां दी अजिहियां वीडियोज़ नूं उन्हां दे प्रशंसकां अते लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तुसी भी देखो ये वीडियो ते सांझा करो कि कोरोना महामारी दे इस भयानक दौर दे विच तुसी खुद दी मानसिक सेहत दा ख्याल रखने लई किहड़े कदम चुक रहे हो। मैं सतिंदर सत्ती एंड वेलकम टू माय सोल ब्लॉग्स। अज मैं जिस टॉपिक ते गल कर रही हां उसका इस समय मैनू लगता सारिया दे मना दे विच बड़ी दहशत है ते ओ ए डर। हर इंसान दे मन दे विच चाहे ओ मन्ने या ना मन्ने पर उस दे अंदर डर जड़े ने ओ बड़े घर करके बैठे हुंदे ने। यानी कि हर इंसान नू किसे ना किसे तरह दा डर हुंदा है। जे मैं बीमार हो गया जां जे जो मेरे कोल सब कुछ है अगर ओ मेरे कोलों चला गया फिर की होगा। अगर तुसी किसे इंटरव्यू देन जा रहे हो तुहानू मन च हुंदा है कि अगर मैनू नौकरी ना मिली, अगर तुसी किसे हॉस्पिटल च तुहानू थोड़ी जी कोई प्रॉब्लम है तो तुहानू लगा कि जे मैनू करोना हो गया, जे मेरे बच्चे नूं इह हो गया, मेरा बच्चा डिग पिया या कोई फोन आंदा इह ना हो जावे उह ना हो जावे। यानी कि इंसान दे अंदर अज दे समें दे विच डरां ने इन्ना वड्डा घर कर लिया होया कि असी चाह के भी मतलब हर वेले पॉजिटिव रह के भी पॉजिटिव नहीं होंगे। तुहाडे बैक ऑफ द माइंड ते तुहाडे सबकॉन्शियस ब्रेन दे विच डर जिहड़े ने इन्ने वड्डे हो जांदे ने कि तुहानूं आप नूं पता नहीं लगता कि वह तुहाडे ज़हन दे विच किधरे बैक ऑफ द ब्रेन काम करदे ने। तुसीं की करना है छोटी जी गल कि जिंदगी दे विच अगर तुसीं चाहते हो कि तुहाडी विल पावर स्ट्रांग हो या जिंदगी च तुसीं जो चाहते हो और खास तौर पर इस माहौल जो हर पास डर का माहौल है अगर उस जित प्राप्त करना चाहते हो तो एक चीज करनी है। तुसी जो भी थोड़े दिमाग दे विच एक गल आवे कि जे मेरे नाल कुछ गलत हो गया तो परमात्मा ते यकीन रख के यह सोचना कि जे ये चंगा हो गया, जे मैनू करोना बिल्कुल होया ही ना, मेरे आले दुआले सब लोग तंदुरुस्त रहे फिर की होगा। हो सकता है कि मैनू ये सिर्फ जुकाम या खांसी हो मैनू बिल्कुल कुछ ना हो, और अगर मैं ये काम कर रहा वा, मैं नौकरी कर रहा वा, अगर मैनू ये नौकरी मिल गई, मैं बिजनेस कर रहा वा, अगर ये विच मैं 100% कामयाब हो गया या मैं इस काम नू अपने बेहतर तरीके नाल कर लिया तो फिर की होगा। विश्वास एक बहुत वड्डी ताकत है। तुहाडे ब्रेन दे विच मसल हुंदे ने, जिस तरह साडियां बाहां च लत्तां च असीं एक्सरसाइज करदे आ तो वह मतलब एक दिन च मसल डिवेलप नहीं हुंदा, वह मसल नू डिवेलप करदे आ रोज़ तुसीं एक्सरसाइज करदे हो तां तुहाडे मसल डिवेलप। इसे तरह ब्रेन दे विच भी मसल्स हुंदे ने। तुसी वेख्या कि एक काम जिस तरह असीं डरदे आं उस तो सारी जिंदगी डरदे रहिंदे आं, क्योंकि तुहाडे ब्रेन दा जिहड़ा मसल है ओह वीक हो जांदा है, ओह उसे तरह दा हो जांदा है। अगर तुसी उस नूं स्ट्रोंग करना है तुहानूं उहदे उल्ट करना पवेगा। जिस चीज़ तो तुहानूं डर लगदा उस दे विच तुहानूं अपने मन नूं बार बार ये कहना पवेगा जे काम चंगा हो गया तो फिर हौली हौली वह मसल जिहड़ा स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है तो काम करन तो पहला ही तुसी जेतू हो जाते हो। उसका कारण यह है कि तुहानूं लगता कि अगर मैं काम नूं 100% कर दिता, अगर मैनू जिंदगी कोई बीमारी ना हुई, अगर मैं जित के निकल आया तो मेरे तो शानदार कोई नहीं होगा। करके देखो अपने दोस्तों नाल, अगर तुहानूं चंगा लगे तो इस वीडियो नूं शेयर करो। तो अज के समय के जिहड़ा डर साढ़े आले दुआले घर करके बैठा होया है उसते कामयाबी का इको तरीका है कि अपने मन नूं इन्ना स्ट्रोंग करो कि कोई बीमारी तुहाडे लागे ना आ सके। उम्मीद करदी हां तुसी अपने घरां दे विच सुरक्षित होवो, सेफ होवो।